सर बात करने वाले बजाज का पल्सर 125 में जो N125 आता है, जो 2024 मॉडल में आ गया स्प्लिट सीट में, वो हम आपको दिखाएंगे आपको इस वीडियो में पूरा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो हम स्टार्टिंग करेंगे फ्रंट से, जो 125 N में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाता है। मतलब फुल जो N150 और N160 जो मिलता है उसी का लगभग लुक में आपको सेम मिलने वाला है। तो हम आपको स्टार्टिंग करेंगे फ्रंट से, तो आपको दिखाते हैं जो मीटर का कौन सा है। मीटर का जो सेम आता था वही सेम सेटअप दे दिया, बाकी आपको नंबर पंचिंग का दे दिया, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट में और थोड़ा सा ब्लैक में जो भी है, मतलब रेड में थोड़ा सा ग्राफिक्स के साथ में मिल जाता है आपको। यहाँ पे बल्ब का बात किया जाए तो आपको वही DRL आपको LED बल्ब देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ का थोड़ा सेटअप देख सकते, थोड़ा सा अच्छा कर दिया 125 में। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें, बाकी मेडिगार्ड का जो क्वालिटी था उससे मतलब उससे थोड़ा नॉर्मल कर दिया। बाकी कट उट जो भी फिनिशिंग है वो सब सेम रहेगा। बाकी मेडिगार्ड देख सकते हैं, मेडिगार्ड का जो सेफ है वो सेम सेफ दे दिया। बाकी यहाँ पे देख सकते आपको ट्यूबलेस टायर के साथ MRF टायर भी मिल जाता है। बाकी आपको इसमें आपको 300 mm का डिस्क मिल जाता है इसमें, मतलब बाकी देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी MRF का टायर के साथ इसमें 100, 180, 117 का टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है 125 में। तो ये था आपका फ्रंट से लुक। तो इस साइड से भी आपको दिखा सकते हैं, आपको मतलब इस साइड आपको रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाता है ये चीज़। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बजाज का लोगो मिल जाता है इंजन के साथ, फुली ब्लैक के साथ। इसमें भी 5 गियर मिल जाता है। बाकी आपको सीट कॉल देख सकते हैं, सीट कॉल में भी मतलब इंजन कॉल देख सकते हैं, इंजन कॉल में भी सेम चीज़ मतलब ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था ग्राफिक्स सेम चीज़। तो और इसका अगर बात किया जाए यहाँ पर टंकी का, तो टंकी में भी सेम ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाता है 125 में भी, 125 N में। बाकी E20 सपोर्टेड मिल जाता है फुली मतलब सिल्वर के साथ में, और सिल्वर हैंडल बार भी मिल जाता है जिसमें। आपको मीटर कंसोल का बात किया जाए तो जो मीटर मतलब फुल्ली डिजिटल मीटर इसमें दे दिया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दिया है सारा, इसमें चार्जिंग भी दे चुका है 125 में। तो ये था हैंडल बार का। बाकी और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज देखने में होता, अगर 125 में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा मतलब लाइट का जो है वो मिल जाता है। बाकी यहाँ पर वो देख सकते हैं हैंडल बार में, यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ मिल जाता है जो अपर डपर, मतलब यहाँ पर 3 बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जो देख सकते हैं मोड का बटन दिया जिससे ब्लूटूथ कनेक्ट किया जाता है जो भी है यहाँ पे E20 के सपोर्टेड के साथ में। तो इसमें भी अप्रॉक्स आपको 12 से 13 लीटर का मतलब फ्यूल मिल जाता है, मतलब रखने का जो स्टीम पावर है। बाकी यहाँ पर डबल सीट में आपको स्प्लिट सीट में देखने के लिए मिल जाता है 125 N। तो ये था डबल सीट का जो 125 का जो था तो वो कॉम्बिनेशन था। बाकी यहाँ का जो पीछे पकड़ने वाला जो था, जो पल्सर 125 में आता तो जो इसमें थोड़ा सा देखने के लिए चेंज मिल जाता, थोड़ा सा लुक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ में मिल जाता था। तो बाकी अगर इस साइड से अगर बात किया जाए तो यहाँ जाली के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कॉम्बिनेशन। बाकी यहाँ पर जैसे 125 में फुल्ली चैन कवर देखने के लिए मिलता था, इसमें सिंगल चैन कवर का आपके साथ में मिल जाता है। बाकी पैर रखने का पोजीशन है वो आपको जो N160 और N150 में आता था वही सेम पोजीशन गियर भी दे दिया है। जो पल्सर 125 में दोनों तरफ पैर गियर देने था वो इसमें नहीं था, और सिंगल डबल मतलब दोनों स्टैंड भी दिया गया। बाकी इसमें पीछे का सिंगल शॉकर कर दिया, जो पल्सर 125 में आपको डबल शॉकर देखने के लिए मिलता है। टायर सेक्शन का बात किया जाए तो इसमें भी आपको पीछे भी आपको MRF का टायर देखने के लिए मिल जाता है, वही ट्यूबलेस के टायर साथ में मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सीट कॉल का जो था पोजीशन, वो सीट कॉल आप देख सकते हैं मतलब 125 N में आता था, जो 125 N देख सकते हैं यहाँ पे मतलब सीट कॉल भी सेम सीट कॉल दिया। बाकी पीछे का अगर लाइट का अगर बात किया जाए तो वही सेम लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है हैलोजन इंडिकेटर के साथ में। तो इंडिकेटर इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं मिलता जो 125 में मिलता था वही चीज़। बाकी यहाँ पर नंबर प्लेट का फ्रेमिंग पंचिंग जो रहता है नंबर यहाँ पर लगाने का, बाकी यहाँ रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर मेडिगार्ड देख सकते हैं, जो छोटा मेडिगार्ड देने जो पल्सर का पहले पीछे तक लंबा तक मेडिगार्ड आता था जिसके कारण से अब छोटा मेडिगार्ड मतलब पीछे कर दिया है। बाकी पीछे का यहाँ पे थोड़ा दे दिया, तो यहाँ पे हो गया पल्सर जो N125 था। तो बाकी यहाँ पर अगर टायर सेक्शन का अगर बात किया जाए तो इसमें आपको टायर सेक्शन बता देते हैं आपको, वही 120, 70, 17 का टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है इसमें हमारे आपको टायर ट्यूबलेस के साथ में। बाकी तो ये था अगर पीछे का डिस्क अगर साइज़ बात किया जाए तो 230 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। बाकी अगर साइलेंसर का बात किया जाए तो छोटा साइलेंसर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पीछे का जो पैर रखने का जो पोजीशन है वो देख सकते हैं। बाकी सस्पेंशन देख सकते हैं, सस्पेंशन थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए कर दिया, थोड़ा सा प्रीमियम जैसा। तो ये चीज़ था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब जो पीछे का पैर रखने का जो यहाँ पर गियर पोजीशन है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ गियर पोजीशन मतलब जो भी है ब्रेक पोजीशन जो था वो सेम मतलब बाकी बजाज का लोगो मिल जाता है। बजाज लोगो के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं फुली ब्लैक इंजन कॉम्बिनेशन, बात सिंगल शॉकर मतलब सिंगल हॉर्न के साथ में मिल जाता है। तो ये सिंगल शॉकर के कॉम्बिनेशन के साथ में था मतलब सिंगल हॉर्न के साथ में था। बाकी अगर नीचे का इंजन कॉल का बात किया जाए तो सेम इंजन कॉल देखने के लिए मिल जाता है जो N125 जो भी था। तो इसमें ये सब चीज़ था। बाकी यहाँ टंकी का जो ग्राफिक्स है वो ग्राफिक्स दोनों में जो सेम था वही सेम कॉम्बिनेशन ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जा गया। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कॉम्बिनेशन बता दें। अगर रेट का अगर बात किया जाए तो आपको 1,30,000-32,000 में ऑन रोड आपको शोरूम में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।